अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग बाय इफ्ज़ा एंड वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। तो जी आज मैं काफ़ी टाइम बाद कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, नहीं तो वही पुराने पड़े हुए व्लॉग्स को फेंकी जा रही थी। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। आज मुझे छुट्टी थी, मैं घर पर थी तो घर वालों ने मुझे सुबह सुबह ही उठा दिया, उठा के बिठा दिया, नाश्ता करवा दिया, बल्कि नाश्ता भी करवाया नहीं, अभी बन रहा है और फिर मैं नाश्ता करूँगी। अभी तकरीबन 12 बजे है तो नाश्ता करूँगी, उसके बाद मुझे ये पता है कि मेरे लिए कुछ काम पेंडिंग में पड़े होंगे, वो काम शाम मुझे करने पड़ेंगे। भाई छोटी बहनों के मज़े होते हैं, बस उठो, नाश्ता मिला और बस मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ, फिर से सोचो। लेकिन बड़ी बहनों पे ना बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, मुझे पता है, ये रियलाइज़ हो रहा है मुझको। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, तो मैं चाय बना रही हूँ नाश्ते से फ्री होके। अब दो चार काम है वो निपटाने हैं। यहाँ पे मेरे लिए पराठा बनने लगा है, ये देखिए आलू वाला पराठा जो यहाँ से टूट गया है बन गया, कितना क्रिस्पी लग रहा है ना। ये चाय भी मैं कर रही हूँ, काम शाम भी मैंने थोड़े से कर लिए हैं, थोड़े से मैं पेंडिंग में छोड़ रही हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल रेडी शेडी होंगी, मतलब कपड़े शपड़े चेंज करेंगे और थोड़ा सा हुलिया सवारेंगे। वैसे भी जब मैं घर पर हूँ तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो अभी पता नहीं कौन आएगा, वैसे भी मेहमान आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा चले ये सूट निकाल के लेके आई हूँ मैं, तो मैं ये पहनूँगी। और अभी इस्त्री करने हैं इसको, सबसे बड़ा मुश्किल है गर्मियाँ होती है, बंदा नहा के पहन लेता, सर्दियों में इस्त्री करके पहनना फजूल में। हाँ जी, तो मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, वो पड़े हैं मेरे कपड़े, कैसे फेंके हैं मैंने। तब तक आप लोग 1 2 3 करें, मैं अभी आती हूँ। हे गाइस, सो आई एम बैक, रेडी शेडी हो गई हूँ मैं सुबह सुबह। और अब मैंने ना आज मैं पहली बार बेकिंग करने लगी हूँ, पहली बार। एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद किचन में जा रही हूँ और पहली बार मैं बेकिंग करने लगी हूँ। मतलब मुझे बेकिंग के बेसिक स्किल्स पता है, बेसिक स्किल्स आपको पता है, किसी के पास हो तो वो अच्छे से बेकिंग कर लेते हैं लाइक मी। तो बस मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी, केक की, सिंपल केक, प्लेन, मतलब प्लेन केक, चॉकलेट केक, क्रीम केक, पता नहीं कौन कौन सा केक मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था। अब उसकी जो सही वाली रेसिपी है ना केक में क्या क्या डालते हैं, वही मैं भूल गई हूँ। गाइस शीशा इग्नोर कर दे। और मैं जो कह रही थी ना, आज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, वो ये नमूनी थी। सुना सुना है जाओ, अब जाओ मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जाओ, भीगा भीगा है समा। ये बांदरी है, ये देखिए गुगू। गंदे बच्चे, तेरे बारे अरे क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो लल्लू? दोबारा कहो क्या कह रही थी। बाबा जी सोनी कुड़ी, ओ थैंक यू। बाबा जी चंगड़ी। डोंट शो गाइस, मैंने आज पार्सल मंगवाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या मैंने मंगवाया है, जोहान बाबा जहाँ देखती है लड़की कैमरा खोल लेती है, हसीन जो देखती है तो कैमरा खोल लिया। गंदा चूड़ा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। खेल रही हो, अकेली खेल रही हो? नहीं, आलू कालू से हाय बेबी। 6 hours later। सो गाइस, इस पार्सल की मैं बात आप लोगों से कर रही थी वो ये है, काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर किया हुआ था, बट ड्यू टू वेदर कंडीशन जो कि चल रही थी, बहरहाल आपके सामने करंटली जो चीज़ें धुंध वगैरह थी, काफ़ी कुछ था, उस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात इतनी दूर से आना होता है तो वेदर की वजह से जो है मेरा थोड़ा सा पेंडिंग में था पार्सल जो कि आ जाना था। और मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मुझे सबसे पहले लेपर्ड्स वालों का मैसेज रिसीव हुआ, तो मैं एक्साइटमेंट हो गई थी यार अब आएगा। फिर कोई 4 बजे के करीब जाके मुझे इनकी कॉल आई थी कि हम आधे घंटे में आपका पार्सल आ रहा है, तो तब उनका एड्रेस वगैरह समझाया। देन 5:30 के करीब जो है मुझे मिल गया मेरा पार्सल नाइट सूट जो कि मैंने ऑर्डर किया था आज से तकरीबन हफ्ता पहले, और मुझे हफ्ता बाद ये रिसीव हुआ है। मुझे ना बहुत शौक खा रहा था नाइट सूट का ना, वैसे तो मेरे पास थे बट बीच में मैंने स्किप कर दिए थे, तो वो चीज़ें जो थी ना वो या तो झाड़ पूंछ के लिए यूज़ हो गए क्योंकि छोटे हो गए थे, तंग हो गए थे, बट ये लूज़ लूज़ अच्छा लगता है। तो मैंने जो है लार्ज साइज़ में ये मंगवाया है, हालाँकि मैं मीडियम साइज़ है,
लार्ज साइज में मैंने मंगवा लिया इसको ना, और ये अच्छा लगा है मुझे देख के, नाइस लग रहा है। वाह, पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी। और इसके साथ ये ट्राउज़र है, टू पीस है, ज़ाहिर बात थ्री पीस थोड़ी होनी होती। अच्छा, खाना खाने के बाद ना अक्सर लोगों के साथ होता है क्या है कि उनका कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो मेरा ना अक्सर ये होता है कि घर में पड़े हुए फलों को अक्सर मैं मिक्स करके ना इस तरह से चाट बना लेती हूँ। अकेले ही नहीं, कर सब लोग ही कर रहे होते हैं ऐसा, मैं अकेले ही नहीं है जो गाढ़ लगा रही होती। तो इसमें क्रीम श्रीम तो नहीं, खैर मैं क्रीम नहीं डालती, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं माइनस डालकर ना इसे बनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। चाट मैंने बना लिया है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पर मुझे मुश्किल पेश आई है ना, वो माइनस वो अनार था, अनार में मुश्किल पेश आई है। ये इसके छिलके हैं, तो ये अभी रहते रहिए, बहुत थक गई हूँ, अब मैंने मंगाया माइनीस ऑर्डर।